ठीक है यार, पूरा शो ही उस पे है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू साहिब फाल्के, कितना प्रेस्टीजियस मोमेंट होता है सुरभि जी के लिए। नाउ थोड़ा सा सामने देखना। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया, बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग, क्योंकि क्या है, ये मेरा पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। दिस इज सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टीजियस, इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, मेरी एक्चुअली टेलीविजन करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की, लाइक लोगों ने कहा कि नाक बड़ी है, जिस तरह से लोग आपके किरदार को, आपसे प्यार करते हैं, आपके ऑडियंस नागिन को जिस तरह का प्यार मिला, नागिन बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीजन मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज देखते हैं तो हम दूसरे सीजन तक पक जाते हैं, बट विद नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए, कि अभी भी जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए, देयर सो मच पॉपुलैरिटी, एंड इट इज़ फॉर नागिन, इट इज़ for my television career, and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर दादा साहेब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदना के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं, इट्स क्रेजी। डन, ये मेरी क्रेजी फैन है, ये मैं एक्चुअली मैं इनके क्रेजी फैन हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, एक हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे, शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने बेंचमार्क, और जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी, ही इज वेरी स्पेशल। सेम हियर। बोलने के लिए मत बोलो। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। फीलिंग लगा आपको, फीलिंग आया यार, तुम लोग मतलब मेरी साइड पे हो कि उसकी साइड ले रहे हो भैया, तुम लोग बाजू मिलो सर। आज मैं अच्छी लग रही हूं मेरी साइड पे, सॉरी। आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं। मैं बचपन से हैंडसम लगता हूं। आप पैदा ही हुए हैं, यू नो, म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, आपका म्यूजिक वीडियो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा, अच्छा साथ में हम कभी देखेंगे। वेरी सून वी आर जस्ट प्लानिंग ऑन इट, एंड वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग द सॉन्ग। लिसन, नाउ दैट यू हैव सेड इट, नाउ पीपल विल आस्क अस कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ना? आएगा सर। वो अभी नहीं बता सकते, अभी आई सेड कि फाइनलाइजिंग द सॉन्ग, सो इट विल बी आउट। अगर वो कह रहे हैं तो आएगा, बिकॉज़ आई कैन ट्रस्ट हिम। आएगा संडे है ना? चलो भागो फिर यार, वी हैव टू सी द फिनाले। संडे आज थोड़ी ना, कौन जीतेगा मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है रुबीना जीतेगी, दो एवरीबॉडी इनसाइड इज आउटस्टैंडिंग एंड फैबुलस, आई हैव अ फीलिंग दैट इट विल बी रुबीना, एंड आई थिंक क्या, आई थिंक हूएवर विंस इज गोइंग टू बी, बिकॉज़ बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर, सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट माय फेवरेट इफ यू आस्क राहुल वैसे क्यूट है, मुझे ऐसा लगता है कि ही प्लेड रियली वेल, बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और ही डिजर्व्स दैट, सो मुझे लगता है राहुल, फॉर मी ही इज माय पर्सन, मतलब फेवरेट। लेकिन स्टार्ट से ऐसा लगता है कि रुबीना ही जीतने वाली है, गेम उन्हीं के लिए बनाया गया ऐसा लग रहा था स्टार्ट से, तो क्या लगता है, कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, ये मुझे नहीं पता यार, मैं कलर्स की बिटिया हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि ऐसा कुछ है, आई डोंट थिंक ऐसा, ऑल द विशेस टू ऑल ऑफ देम, बट वेरी ऑनेस्टली आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी, और बी इट, आप यार लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पर बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय, एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट, यू हैव योर फैमिली अराउंड, देर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के, यू नो, आई डोंट नो, ईगोज मैटर, यू नो, ईगोज होते हैं दोनों, बहुत लोगों के, you get my point, but बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब, और सबके लिए ऑल द बेस्ट, कल फिनाले है, पता चल जाएगा who's the winner, but मेरी विशेस सबके साथ है, इनकी विशेस सबके साथ। बिग बॉस मत पूछ, मेरे को बहुत, my favorite is Julie,
थैंक यू। चलो राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में, बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक विजुअल कर ले, विजुअल कर ले तो ये रखो, ये रखो ना, नहीं पर ये प्लांट कह रही हूँ रख दीजिए, चलेगा कोई बात नहीं। कहाँ से आया है, मेरे को कोई दिखाएगा? अरे ये नागमणि हमारे पास है। ये मैडम ने पहले पकड़ लिया, नागमणि था हमारे। ये बेस्ट है, जब आप बोलते हैं ये वाला, ये वाला। हाँ जी, एक सेकंड मैं ये रख लेती हूँ, मैं करती हूँ, अच्छे से देती हूँ। एक फोटो, एक इधर इधर मैम। थैंक यू। आप लोग लेके जा रहे हैं मेरा नागमणि? हाँ जी बिल्कुल, ये रहा इधर है। थैंक यू, आप लोग बस आराम कीजिए यार, थक गए ना। कभी कल बट सलमान है होंगे ना, बट मैंने सुना बड़ा टफ है यार ऐसे सब, आप लोग टेस्ट वेस्ट